यस यस मैम। ओके, सो वेलकम टू 1T सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास के तीन टॉपिक्स है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे। तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे, इनके बेस पे जो डीपीपी है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए। क्लियर? तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व कैसे करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। उसका मतलब क्या था कि आपके पास दो इक्वेशंस होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन। याद आया? यस मैम। दो इक्वेशंस होती थी, और क्लास 10th में तो आप इसको या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते थे, याद करो, या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते थे। यस और नो? मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाता था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते थे, लेकिन वो आप लोगों के टाइम पे सिलेबस से कट हो गया था, कुछ लोगों ने किया होगा, राइट? लेकिन 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 अभी यहाँ पे कंडीशन लगा दी है मैट्रिसेस, तो डेफिनेटली अब जब क्लास 12 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आएगा तो मैट्रिसेस से ही करना होगा। एग्री? यस मैम। तो क्या आप लोग ये सोच पा रहे हो, क्या मैं इसको एक जो इसके कॉफिशियंट मैट्रिक्स है एक्स और वाई का, उसको ए लिख सकती हूँ, ए बी ए वन बी वन? एग्री? एक मैं बी एक्स मैट्रिक्स ले लेती हूँ, दैट इज उसमें लिख देती हूँ एक्स और वाई, और तीसरा मैं बी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, उसको दे देती हूँ सी और सी वन। तो माय डियर बच्चा पार्टी, जरा देखो, अगर मैं ए को एक्स से मल्टीप्लाई करूं और बी से इक्वेट करूं, क्या आपके पास ये दोनों लीनियर इक्वेशंस बन रही है? देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को इसके कॉलम से, तो देखो ए इंटू एक्स प्लस बी वाई बनेगा, दूसरी बार करेंगे तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बनेगा, और इक्वल्स टू बी है तो ए एक्स प्लस बी वाई किसके बराबर हो जाएगा, सी के। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई सी वन के इक्वल हो जाएगा, जाने कि मैं बिल्कुल सही लिख रही हूँ कि ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में है। और अगर मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, क्या मैं इसको ए इनवर्स बी लिख सकती हूँ? बाद में यस डॉक्टर और मैम। आपको पता है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट होता है, यानी कि अब जो एक्स है वो मेरे पास अल्टीमेटली एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अपॉन ए का डिटरमिनेंट होगा। छाया? ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी? आपको दिख गया है कि आपके पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट? तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास 2 1 1 -1 होगा, बी मैट्रिक्स मेरे पास 1 और 3 होगा, और जो एक्स मैट्रिक्स है वो मेरे पास एक्स और वाई होगा, राइट? तो आपको पता है शॉर्टकट, आपको पता है कि एक्स किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के, और आपको शॉर्टकट से ए इनवर्स कैलकुलेट करना आता है। वो कैसे होता है, एडजॉइंट कैसे निकलता है शॉर्टकट से? आप बस क्या करो, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, -1 2, नॉन डायगोनल को माइनस से रिप्लेस कर दो, हाँ राइट? और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन -2 -1, यानी कि -3। तो आपके पास ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन 1 1 1 -2। क्या सबको क्लियर है? मैम, आपने इधर -2 क्यों नहीं लिया, और ऊपर तो +1 आना चाहिए था ना कैसे? मैम? जो ए इनवर्स है उसमें जो -2 होता है ना यहाँ पे, और ये वाला जो -1 है वो +1 में चेंज हो जाता। मेरी बात सुनो, डायगोनल को इंटरचेंज किया है, ध्यान से सुनना, डायगोनल को सायरा इकरा, डायगनल को इंटरचेंज किया, 2 को -1 किया, -1 को 2 किया, और जो नॉन डायगनल है उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? ओके मैम। तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 1 1 -2 इंटू बी आपके पास आ गया 1 और 3।
अब सबको मल्टीप्लाई करना आता है, तो एक्स किसके बराबर है, बेसिकली एक्स और वाई, राइट। तो जब आप 1/3 बाहर रखा और आपने इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1+3 बना, फिर 1-6 बना, यानी कि आपके पास 1/3 4 और -5 बना। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू 4/3 हो गई और y की वैल्यू -5/3 हो गई। क्या सबको बात क्लियर है? क्या किसी को भी डाउट है? समझा ये वही तरीका था, अगर आप दीजिए। सॉल्व करते ऐड करते तो आप लिखते कि 3x इज इक्वल टू 4 था, तो x की वैल्यू 4/3 आनी थी। एक्स की किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते तो वाई आ जाता। लेकिन अब अपन क्लास 11 में 12 में आ गए हैं और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस था, ये टॉपिक भी मैट्रिसेस के अंदर है, तो हमें इसे सॉल्व भी मैट्रिसेस के मेथड से करना था, 10th वाले मेथड से नहीं करना था। क्लियर है? अब देखो, वो था आपके पास टू वेरिएबल में, वो था आपके पास टू वेरिएबल में, अभी बात कर रहे हैं थ्री वेरिएबल में। देखो टू वेरिएबल में था तो आप लोगों में दिमाग में चल रहा है कि इतना लंबा करने से अच्छा तो मेरा 10th वाला मेथड था। एग्री? सोच पा रहे होंगे, कई लोग सोचो, लेकिन ये मेथड क्यों करवाया गया, क्योंकि क्लास 12 में तो थ्री डायमेंशन में भी तो बात करेंगे। ये देखो थ्री डायमेंशन की इक्वेशंस आ रही है, सेम मेथड, ए किसके बराबर है कोफिशिएंट मैट्रिक्स के, एक्स किसके बराबर है वेरिएबल के, और बी किसके बराबर है जो आपका राइट साइड पे कॉन्स्टेंट है। क्लियर है? तो आपके पास यही फॉर्मूला बना कि एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी और एक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अपॉन ए डिटरमिनेंट। क्या सबको तो क्लियर है? यस ठीक है, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है माय डियर। तो देखो ध्यान से लिखो, ए मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, 1 2 1, 1 0 3, 2 -3 0। क्या सबको क्लियर है? एक्स मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड। और मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होगा, 7 11 1। क्लियर है जी? तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता है ना क्या करना होता है, आपको को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है, राइट। तो सबको को फैक्टर निकालने आते हैं, सब निकाल लेंगे, क्योंकि वही एक एलिमेंट का दूसरे का तीसरे का सबका को फैक्टर निकालोगे, फिर आप ए इनवर्स निकालोगे जो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट आ जाएगा, और फिर आप एक्स लिखोगे ए इनवर्स इनटू बी, और सॉल्व करके आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? इसकी कैलकुलेशंस अवेलेबल है, क्योंकि मुझे लग रहा है अपन को कोफैक्टर पे डिटरमिनेंट मेरे पास 18 आया सत्यम, और ए एडजॉइंट ऑफ ए आया, उसका ट्रांसपोज लिया, तो आपने इसको ए इनवर्स कैलकुलेट किया, ए इनवर्स इनटू बी किया, तो आपके पास सॉल्व करके एक्स 2 आ गया, वाई 1 आ गया, जेड 3 आ गया। क्या सबको क्लियर है? क्या किसी को भी डाउट है? किसी को एडजॉइंट में डाउट तो नहीं है? ओके तो अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वही चीज है जो आपने पढ़ी थी, याद है आप लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। याद आया? फिर क्लास 10th में ये भी कैटेगराइज कर लिया था कि ये कंसिस्टेंट होता है और ये इनकंसिस्टेंट होता है। याद आया सब? है ना? तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि अगर यूनिक है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनफाइनाइट है तो कोइंसिडेंट लाइंस है, और अगर नो सॉल्यूशन है यानी कि पैरेलल लाइंस है। वही सब पढ़ा था, लेकिन
लेकिन अभी जब क्लास अब डिटर्मिनेंट्स पे बात आ गई तो दो चीजें पॉसिबल है। सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो एक्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन ए का डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, यानी कि मेरा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है। एग्री? और अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाए, जीरो, यानी कि आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाए। ये 0/0 फॉर्म आप ये बोलते हो कि नॉट डिफाइंड केस है, तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर 0/a डिटर्मिनेंट बन गया, सॉरी, k/0 बन गया, जाने कि इनफिनिटी, तो उस केस में आप बोलोगे कि नो सॉल्यूशन बनेगा। क्या सबको बात क्लियर हुई? किसी को लग रहा है रेपिटेशन चाहिए? मैम 0/0 वाला बता देखिए दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास यस आया मैम। डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो आपने बोला यूनिक सॉल्यूशन है। फिर मैंने बोला कि डिनोमिनेटर जीरो है, यानी कि अगर अब मेरा न्यूमिनेटर जीरो हो गया, उस केस में तो आप बोलोगे ना कि मैं जज ही नहीं कर पा रही कि ये जीरो है या इनफाइनाइट है, क्योंकि 0/0 आप क्या सोच पा रहे हो? कभी आप बोलोगे कि ये इन्फिनिटी है, कभी आप बोलोगे ये जीरो है। कोई फिक्स आंसर नहीं दे सकते ना इसी चीज का। नो तो इसका मतलब जब आपका न्यूमिनेटर भी जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर भी, तो आपके पास केस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का बनता है। और अगर डिनोमिनेटर जीरो है, न्यूमिनेटर की कोई वैल्यू आ रही है, तो वो आपके पास नो सॉल्यूशन देता है। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आपके पास आ गया कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये एक मैजिक है जो आपको मतलब बहुत अच्छे से हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली आप कर क्या सकते हो। देखो कैसे, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, मान लो 2, 3, 1, 0, तो आप इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये वैलिड इक्वेशन है, ए माइनस एक्स इंटू आई का डिटर्मिनेंट टू जीरो होता है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो अगर मुझे इसके लिए सॉल्व करना है, तो मैं डिटर्मिनेंट लूंगी दिस मैट्रिक्स 2, 3, 1, 0 माइनस एक्स इंटू 1, 0, 0, 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कितना बनेगा? 2 - x 3, 1, 0 - x, डिटर्मिनेंट 0, यानी कि 2 - x इंटू - x जो है वो -3 = 0। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, 2x - 2x + x² - 3 = 0, आपके पास बना x² - 2x - 3 = 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई x में। x क्या है? मैट्रिक्स की फॉर्म में है। x क्या है? मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो आप इसको लिख सकते हो कैपिटल A² - 2A - 3 × I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये आपकी इस मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके -2 × A करके -3 × आइडेंटिटी करते हो, तो ये नल के बराबर आएगा। और ये इक्वेशन आपको याद होगा, आपको बहुत जगह पे दिखी होंगी, कहीं कहीं प्रूफ करने के लिए भी आती हैं। और वहां आपको क्या करना पड़ता है, आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हो, 2A करते हो, 3N को सॉल्व करते हो, और जीरो सोचते हो कि किसके बराबर आएगी। है या नहीं? यस मैम, है ये क्वेश्चन। हम लेट करते हैं। लेट कर, लेकिन अभी आपको पता चल गया कि आप तो सीधे किसी भी मैट्रिक्स के लिए बना सकते हो। देखो मैजिक देखते हैं। अब देखो, कहते कि ये जो आपने बोली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे कि हर मैट्रिक्स के लिए उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन बेसिक वही रहेगा, डिटर्मिनेंट A - x × I = 0। क्या सबको बात क्लियर आई? सेट हो गई? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो केले हैमिल्टन ने हमें दी थी,
ए माइनस एक्स इंटू वाई का डिटर्मिनेंट जीरो होता है, तो ये वाली जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इट वैलिड्स या इट सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? यस अब देखते कैसे। अब ये तो आपने कैलकुलेट कर ली थी सेम मैट्रिक्स के लिए कि 2 3 1 0 है, इसकी ये केले हैमिल्टन से मेरे पास ये आ गई ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। क्लियर है? मैम, यस मैम। अब सोचो, अब आप लोग क्या करते थे, ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आया क्योंकि आप सबने मैट्रिक्स कर रखा है, ये क्वेश्चन करने के लिए आप ए क्यूब कैलकुलेट करते थे ए स्क्वायर और फिर पुट करते थे, याद आया? बड़ी लंबी कैलकुलेशन चलती है। यस मैम, यस मैम। अभी यूजिंग केले हैमिल्टन, यूजिंग केले आप क्या लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो? आप इसको क्या लिखोगे? आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ए माइनस एक्स इंटू आई का इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस x 0 0 0 1 माइनस x 1 0 माइनस 2 4 माइनस x डिटर्मिनेंट जीरो। एग्री? तो एक्सपेंड किया 1 माइनस x आया और आपके पास 1 माइनस x इंटू 4 माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो बना बच्चा पार्टी। तो 1 माइनस x और आपने इसको सॉल्व किया तो 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x यानी कि -5x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, तो आपके पास 1 माइनस x और आपके पास बना -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0 बना, या नहीं? तो आपको सॉल्व करके मिला x³ प्लस 4x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या सबको क्लियर है? अब x को a से रिप्लेस किया तो a³ बना प्लस 4a² बना। कुछ कैलकुलेशन गलत हुई, चेक करना, ये प्लस का x² आ रहा है, राइट? तो ये प्लस का बनेगा और ये 6 बन जाएगा, राइट? तो ये 6a² बना माइनस 11x बना और ये प्लस 6 बना आई 11a बना। x को a से रिप्लेस किया ना मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये यस मैम, 6a² बना 11a बना 6i बना इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, किसकी निकालनी है? ए क्यूब की माइनस कुछ कैलकुलेशन अभी भी गड़बड़ है, ये माइनस का x³ बनना था, एक कैलकुलेशन चेंज हो गई, माइनस ए क्यूब, ठीक है? तो माइनस जब कॉमन निकाला तो -6a² + 11a - 6i इज इक्वल्स टू जीरो। एज पर द क्वेश्चन मुझे a³ - 6a² + 11a का वैल्यू निकालना है, तो वो किसके बराबर आ गया? 6i के। क्या सबको बात क्लियर हुई? यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6i है। बताइए क्लियर क्या यस आ गया। मतलब लगा कुछ अलग है कि मतलब अपन लोग तो किसी अंधेरे में ही थे, a³ निकाल रहे थे, इसके निकाल थे, पुट कर रहे थे, फिर सॉल्व कर रहे थे कि क्या बनेगा। यस मैम, मैं एनसीईआरटी में तो बहुत लंबे लंबे दे रखे हैं वाले। मैम हाँ तो मैंने ये वाला क्वेश्चन, क्या मैम मैंने ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ऐसे किया था, पहले a को क्यूब से मल्टीप्लाई करके। हाँ, आपने a³ निकाला, इसमें सेटिस्फाई किया होगा, फिर सॉल्व करके 6 × आइडेंटिटी बना होगा आपके पास। तो अभी आपको ये पता चल गया कि ठीक है, अगर बोर्ड्स में आएगा तो वैसे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेरे पास मेंस में एडवांस में आता है तो मुझे कैसे करना है? बाय यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। एक सेकेंड, नोट करना है क्या मैम? नोट करना है।
नोट्स शेयर कर दूंगी या अभी करना है? नोट कर लो, चलो नोट्स तो फिर भी शेयर कर दूंगी, टेक योर टाइम। मैम, उस लिंक में तो नोट्स एंड लेक्चर्स तो अपलोडेड होते हैं ना? सब कुछ मैं आपको तब तक शेयर करके बता देती हूँ। आपने उस लिंक को खोला? नोट कर लिया माय डियर आपने, जो नोट कर रहे थे? ओके एक सेकेंड। मैम, हार्ड कॉपी भी मिलेगी जैसे जो जो रील्स होते हैं? मतलब जो बच्चे रेगुलर होंगे उनको उनके स्कूल्स में हार्ड कॉपी प्रोवाइड हो जाएगी अभी आपकी समर वेकेशंस के बाद। चलो ओके। तो अभी ये देखो, इस मैट्रिक्स और जो लास्ट क्वेश्चन का मैट्रिक्स है दोनों सेम है, देखो ध्यान से, राइट? तो मैं इस यस क्वेश्चन को वहीं से पिक कर रही हूँ। अभी आपने क्या निकाला था? आपने निकाला था ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, और क्या था जिसने नोट किया बताना? प्लस इलेवन ए प्लस इलेवन आई माइनस 6 i इक्वल टू 6 i। ठीक है, अब मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो आपने इसको पहले केले हैमिल्टन से इसका ये सॉल्व कर लिया होगा। अगर मैं 6 i इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस 6 a² लिखू प्लस 11 i, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई मैम करती हूँ तो 6 a इनवर्स, ये मेरे पास 6 a² बन जाएगा, ये a बन जाएगा और ये 11 i बन जाएगा। तो ये ए इनवर्स जो है वो 1/6 a² माइनस 6 a प्लस 11 i के बराबर हो गया। और एज पर द जो मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है वो किसके इक्विवेलेंट है? 1/6 a² प्लस ca प्लस dI। तो मुझे c और d की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू -6 हो गई, d की वैल्यू 11 हो गई। क्या यस क्वेश्चन खत्म हो गया? यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है? मैम, एनीवन? I6A इनवर्स कैसे? मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स निर्भय। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। अब आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या आ गया जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वही बात, कई बच्चे बोलेंगे हमें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है मैम, क्या कहते हो? यस हमने मैम। 10th में पढ़ा था, प्लस वन में भी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में, याद करो। यस मैम। अब उससे भी इजी हो गया। अब उससे इजी क्या हो गया? ये वही मेथड है जो आपको प्लस वन में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल में सिखाया होगा। अगर कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया होगा तो उनको मैंने तब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया होगा। यस मैम। तो अगर मेरे पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3 3 वर्टिसेस हैं किसी ट्राइंगल के, यानी कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है उसके 3 वर्टिसेस होते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, राइट? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डियर बच्चा पार्टी किसके बराबर होता है? हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और डिटर्मिनेंट आप सबको सॉल्व करना आता है, और आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट, आपको तो प्रॉपर्टीज भी सॉल्व करनी आती है। 3 1 दिख कर जाएंगे, दिमाग फटाफट से आपको इशारा देगा, नजर टिका, बेटा 2 ऑपरेशन लगा दे, फटाफट 2 जीरोस बना दे, क्या कहते हो? तो इसको सॉल्व करके हमारे पास एरिया आ जाएगा। और इफ एरिया 0 हो जाए इसका मतलब पॉइंट्स आर कलीनियर, यस मैम। राइट? यस मैम। ठीक है, तो अभी ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने क्लास 10th में कई बच्चों ने रट्टा लगा रखा होगा। यस मैम, इसको एकदम याद कर लिया था। हाँ, मुझे मुझे कभी याद ही नहीं हुआ, लेकिन मैं 10th में, जब मैं 10th को पढ़ाऊ ना, तो मैं उनको ऐसे याद कराती थी कि हाफ लिख लो x1 y1, x2 y2, x3 y3,
एक्स वन वाई वन, ये मैंने प्लस वन में भी कई बच्चों को बाद में ऐसा सिखा दिया था जिनको डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे, इसको इससे माइनस इसको इससे, इसको इससे माइनस इसको इससे, तो भी आपका डिटर्मिनेंट नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा बहुत पुअर हूँ रट्टाफिकेशन में, तो अभी तो आपको रट्टे वाली बात ही नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना है और सॉल्व कर देना, क्योंकि अब तो आपको डिटर्मिनेंट में परफेक्शन है, क्या कहते हो? यस मैम। तो डेरिवेशन तो कहीं नहीं पूछी जाती आज के टाइम में बच्चे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को जब करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, अगर आप इसको रीलोकेट करोगे अपने एक्सिस पे, तो एक माइनस फोर जीरो है, यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पे है माइनस फोर जीरो, एक पॉइंट जीरो कोमा टू है, राइट? तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका वाई एक्सिस पे पॉइंट है। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि वो पॉइंट मेरे पास दो जगह बन सकता है, क्योंकि के मुझे नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर, यस और नो? इसका मतलब के कैन बी पॉजिटिव और के कैन बी नेगेटिव, क्या सब एग्री हो? यस मैम। तो जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है कि एरिया का तो फॉर्मूला है माइनस फोर जीरो वन जीरो टू वन जीरो के वन, एग्री? और जब ऐसा एरिया दे रखा हो तो मैं प्लस माइनस एट लूंगी, ये एरिया को प्लस माइनस एट नहीं लिया, ये मैंने प्लस माइनस एट इसलिए लिया है ताकि मेरे पास के की दो वैल्यूज आ जाए, दो पॉइंट आ जाए। ओके, तो जब आपने इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि माइनस फोर के लॉग टू उधर चला जाएगा, तो माइनस फोर इंटू टू माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्सटीन, तो माइनस एट माइनस माइनस प्लस फोर के इज इक्वल टू या तो 16 होगा या माइनस एट प्लस फोर के माइनस 16 के बराबर होगा, तो 4 के या तो 24, तो k की वैल्यू या तो 6 आ जाएगी या फिर 4 के इज इक्वल टू माइनस एट, k की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन सही आंसर दे रही है 6 एंड माइनस 2 के लिए? ऑप्शन सी। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या किसी को भी डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो अभी collinearity of points के लिए किस किस को कंडीशन याद है? That area of triangle must be zero, जाने की तीनों पॉइंट का डिटर्मिनेंट। अनुराग किसका साउंड नहीं आ रहा? मेरा मैम साउंड कट कट के आ रहा है, मेरा साउंड सिस्टम खराब हो गया होगा शायद। हाँ जी बेटे, मेरा आवाज कट कट के आ रहा है, बताइए जरा। अनुराग आप एक बार रीजॉइन। मैम आप उस टाइम साइलेंट हो गए थे, हमको लगा कट गया है सर। थोड़ा थोड़ा फन होना चाहिए, तो मैंने सोचा शायद मेरा साउंड सिस्टम खराब हो गया है, नीड टू अपग्रेड, कोई नया आजकल सिस्टम ना, ना मस्ती कर रहा था। ओके, तो माय डियर बच्चा वाटी बताइए, ये सबको क्लियर है कि अगर पॉइंट्स लीनियर हैं तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, राइट? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या किसी ने आज से पहले कभी कंकरेंसी पढ़ा है? क्लास 11 में तो पढ़ा था। यस मैम। क्या होता था जब थ्री लाइंस हैविंग सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या कहते हो? जब तीन लाइनों का सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाए, ऐसी लाइंस को कंकरेंस कहते हैं। यानी कि अगर L1 है L2 है, दो लाइन कट कर रही है, तीसरी लाइन यहीं से पास कर जाए, तो आप बोलोगे L1, L2, L3 आर कंकरेंट। यस मैम। राइट, तो अगर मुझे कंकरेंसी निकालनी है, एक तो आपका वही 10, 11 का वो ट्रेडिशनल मेथड, देसी मेथड क्या था? दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तीसरे में सेटिस्फाई कर दो, याद आया?
यस मैम यही क्या था मतलब आपका वही, अगर मैं बोलूँ ट्रेडिशनल मेथड या फिर मैं पंजाबी हूँ तो मैं उस लैंग्वेज में बोलूँ तो देसी मेथड, याद आया? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने ऐसा करा था क्योंकि डिटर्मिनेंट तो तब बड़ा मुश्किल लगता था, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इफ पी ओ आई सेटिस्फाइज थर्ड इक्वेशन, राइट? थर्ड इक्वेशन तो वो लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट, याद आया सबको? राइट अमित? यस मैम गॉट इट। ओके, तो लेकिन अभी जब हम यहाँ पे आ गए हैं, डिटरमिनेंट कर चुके हैं, तो कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा कि सिंपली तीन इक्वेशन दे रखी है, इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट ले लो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, दिस इंप्लाइज लाइंस आर कंकरेंट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सबको आ गया समझ? तो आपको पता चल गया कि अगर तीन लाइन क्वेश्चन दे रखे हैं, मेरे को बोला कि कंकरेंट कैसे पता चलेगा, तो सिंपली इनका डिटर्मिनेंट ले लो, राइट? ओके, तो ये क्वेश्चन में ना ले लेते हैं, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू नहीं निकालते हैं, या फिर अगर ले भी रहे हो तो इट मीन्स, सोचो इस क्वेश्चन को कैसा सोच सकते हो? आप बोलोगे कि कंकरेंट है, जाने कि अगर 2 1 माइनस 1, a3 माइनस 3 और 3 2 माइनस 2, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, यस मैम। ठीक है? और इसको बिना सॉल्व किए दिमाग लगा सकते हो, ये माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो 2a3 1 3 2 1 3 2 इक्वल्स टू जीरो। टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, c1 इज आइडेंटिकल टू c2, तो सीधा ही आपको पता चल गया जीरो बराबर है जीरो आया, तो a की तो कोई वैल्यू ही नहीं आई। तो इसका मतलब a कैन बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। एक तो अपन ये भी सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब दूसरे एंड से ये भी सोच सकते हैं कि अगर हर वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट जीरो ही आ रहा है, इट मीन्स ए कैन बी एनी रियल नंबर। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, तो आज आप लोगों ने ओवरऑल, अगर एक बार फिर से रिव्यू बैक करूं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से सॉल्व करते हैं, और अगर मेरे को देखना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बनते हैं, तो आप कैसे चेक करते हो कि मेरी टाइप ऑफ इक्वेशन कैसी है, वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, तो आप दो चीजें चेक करते हो कि या तो मेरा ए डिटर्मिनेंट जीरो होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और अगर मेरे पास ए डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो मैं दो चीजें चेक करूंगी कि या तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो हो जाए तो मेरे जीरो पास बाय इनफाइनाइट बन जाएगा, और अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो मेरे पास नो सॉल्यूशन बनेगा। एग्री? क्लियर है सबको? यस मैम। बाद सेकंड थिंग, आप लोग आ गए थे केले हमिल्टन पे। केले हमिल्टन हमें सॉल्व करता है मैट्रिक्स की बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज ए माइनस एक्स इंटू आई का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर होता है। एग्री? और थर्ड आपने किया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपने क्या किया, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और अगर कोलिनियर है पॉइंट्स या फिर लीनियर इक्वेशन बन रही है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी जीरो। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस यस क्या मैम। किसी को कोई डाउट है? मैम यहाँ तक सबको सब क्लियर है, नो कंफ्यूजन एट ऑल?
बड़े ठीक है। अब आपने यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन तो कर लिया था राइट। अगर अगला क्वेश्चन मैं आपको दूं, अगर आपके पास क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 2x-y+3z=5 और आपको दे रखा है 3x+2y-z=7 और अगला दे रखा है 4x+5y-5z=9 और आपको बोला है इस क्वेश्चन में एक तो शो करो, शो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड फाइंड इट सॉल्यूशन, क्या सब लोग ट्राई करेंगे? शुड आई गिव यू टाइम? यस मैम, मोमेंट ओनली। करिए, बताइए कैसे करेंगे। हाँ जी, ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले कैलकुलेट किया, आपके पास एक ए मैट्रिक्स बना होगा 2, 3, 4, -1, 2, 5 और 3, -1, -5, एक एक्स बना होगा मैट्रिक्स, वो आपके पास बन गया एक्स वाई जेड और आपके पास एक बी मैट्रिक्स बना होगा 5, 7, 9। एक्चुअली क्लियर है? सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाला होगा, क्या ए डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ गया? अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, क्या कहते हो? तो एडजॉइंट ऑफ ए बच्चा पार्टी आपने निकाला तो आपके पास सॉल्यूशन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। जी जी जी, -5, 11, 7, 10, -22, -14। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये आती है कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने लिख दिया एडजॉइंट। यस। इसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी को मल्टीप्लाई किया होगा तो आपके पास कितना बना फटाफट बता दीजिए। 10, -5, 11, -22, 11, 7, -14, 7, राइट। इसको मल्टीप्लाई किया 5, 7, 9 से, एग्री? और ये किसके, ये क्या 0, 0, 0 बन रहा है? यस यस मैम। अच्छा बाटी, आपके पास ए डिटरमिनेंट भी जीरो आया और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी जीरो आया। इट मींस किसने आपको बता दिया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, राइट? अगर इनफाइनाइट मेनी है तो ये कंसिस्टेंट है, क्लियर? अब अगली चीज सोचते हैं, अब आपको इसके सोल्यूशन निकालने। अब आप तो बोलोगे कि अब सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ऐसा कुछ करने के लिए आप करते क्या है, पहली दो इक्वेशन से डील करेंगे और जेड को के मान लेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 2x-y=5-3k हो जाएगा। इन द सेम वे 3x+2y=7+k हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? बोलिए। अब इनको फर्दर सॉल्व करो, वही
ए मैट्रिक्स अब आपके पास बन गया 2, 3, -1, 2। बी मैट्रिक्स आपके पास बन गया 5, -3 के, 7, -k। और एक्स मैट्रिक्स आपके पास बन गया एक्स और वाई। और आपको 2 बाय 2 का तो शॉर्टकट से याद है जाने की एक्स इज इक्वल्स टू आप लिखोगे 4 माइनस माइनस प्लस से जाने की 1/7 2, 2, 1, -3 राइट। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस 3 के, 7 माइनस के से। क्या सबको एग्री है? क्या किसी को भी डाउट है? मैम दैट इज इक्वल्स टू के से दोबारा समझा। आपने क्या करना है, अब आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पता चल गए तो आपने कोई भी कांस्टेंट के ले लिया, पहली दो इक्वेशंस में पुट किया और आपका जो एक्स और वाई है तो यहाँ इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई 17 -5 के/7 और वाई की वैल्यू आ गई 11 के -1/7। अब सोचो के 1 पुट करोगे एक सोल्यूशन मिलेगा, 2 पुट करोगे अगला मिलेगा, 3 पुट करोगे अगला, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हुए ना। बोलिए। और इसके बाद आप कर लोगे एक्स वाई जेड सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन। क्या सबको बात क्लियर है, चेक करने के लिए कि उसका सोल्यूशन है या नहीं? पूछिए फटाफट जिनको भी डाउट है। सानिया, अभिनव, हिमांशी, हिमांशी क्लियर है? सबको क्लियर है? मैथड क्लियर हो गया? यस मैम। क्योंकि अगर ये नो सॉल्यूशन आ जाता तो वहीं खत्म हो जाता। यस मैम। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता तो भी, इट मींस जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे तो आपको अगर निकालने आ जाए तो के की टर्म्स में ऐसे निकाल लेंगे। क्या सबको क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ना कुछ ऐसे भी आता है। देखो, अगर मैं बोलू फाइंड करो ए इनवर्स, अगर आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है 1, 2, 3, 2, 3, -3, -3, 2, 4 राइट, एंड हेंस सॉल्व, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है x+2y -3z = 4, -4, 2x+3y+2z = 2, 3x -3y -4z = 11। क्या सबको क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको दिमाग तो चलाना पड़ेगा। इसमें भी ए मैट्रिक्स देखो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 2, 3, -3, -3, 2, -4 एग्री? क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है? यस मैम। क्या आप ए इनवर्स कैलकुलेट कर लोगे? ये जो है का मतलब है ना, इट मींस कि जो ए इनवर्स यहाँ से कैलकुलेट करोगे वो ही यहाँ पे यूज करोगे। इसका मतलब क्वेश्चन दिया है कैलकुलेशन एक बारी करनी है मैम, बट यहाँ पर तो -4 और वहां पर 4 है तो मैंने गलत लिखा होगा ना। अब चेक करो इक्वेशन में, उसमें भी -4 है। ओके मैम। ठीक है जी, क्लियर है सबको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको सेम ए इनवर्स को ही यूज करना है सॉल्व करने के लिए। एग्री? यस मैम। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे कि डिटरमिन प्रोडक्ट निकालो किसकी, आपको दे रखा है -4, -7, 5, 4, 1, -3, 4, 3, -, ठीक है जी, इनटू आपको करना है 1, 1, 2, -1, 2, 1, 1, -2, 3। चलो फटाफट प्रोडक्ट फाइंड करो एंड यूज यूज दिस फॉर x-y + z = 4,
एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू नाइन, टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वाई। तो माय डियर बच्चा बाटी, क्या आपने प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया? मैम कर रहे हैं। ओके अंजलि क्लियर? अभिनव क्लियर? यस मैम। सत्यम कल परसों भी क्लास में नहीं था ना? नो मैम। कहाँ चला गया था? छुट्टियों में घूमने? फोन खराब हो गया था। ओके तो कितने लोग घूमने जा रहे हैं छुट्टियों में? कहाँ जा रहे हो? नानी के घर के बुआ के घर? नहीं अंजलि आप ऑडिबल नहीं हो। मैम वृंदावन और मथुरा जा रहा हूँ। अरे वाओ ग्रेट, मैं बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ कृष्ण जी की। मैम आप तो जा चुके होंगे शायद से। हाँ मैं जा चुकी हूँ। हाँ अच्छी बात है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैम बाकी बिहारी के दर्शन करके आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, मैं वेरी सून फिर जाऊंगी। मैम निकाल लिया। निकाल लिया, कितना आया जी? मैम 800। ओके इट मींस 8 इनटू आइडेंटिटी बना। यस मैम 8 आ रहा है। 8 12 माइनस कितना दिमाग भी लगाया होगा भाई, इससे कितना आ रहा है? 1 माइनस 1 1 बन रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 2 बन रहा है, 2 1 3 बन रहा है। एग्री? मतलब ये ए है, ये कोई मैट्रिक्स सी मान लो, तो सी इंटू ए जो है वो 8 आई के बराबर आया। क्या कहते हो? तो अगर सोचोगे तो आपको ये पता चला C इज इक्वल टू 8 A इनवर्स आया, यानी कि A इनवर्स जो है वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 1/8 C आ गया। चला दिमाग? तो A इनवर्स की वैल्यू आपको सीधी मिल गई 1/8, और लिख दो -4 4 4 -7 1 3 -5 -3 -1। क्या कहते हैं? प्लस फाइव है, ठीक है। अब ए इनवर्स आपको पता चल गया, बी आपको ऑलरेडी पता है, बस क्या करना है? अगर ए इनवर्स इनटू बी लिखना है तो यहाँ पे तो बस 4 9 1 ही लिखना है। क्या ऐसा क्वेश्चन दिमाग को स्ट्राइक कर गया कि ये अगर ऐसा दिया है, चाहे हमें बोर्ड ने क्यों ना दिया हो, तो हमें बार बार कैलकुलेशंस नहीं करनी है। क्लियर? ओके। फिर कभी कभी ना इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड भी बनते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ी सी स्टेटमेंट होती है। अगर आपको दिख जाए, सपोज करो द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर by 2 and add first number to result, ठीक है, we get 7। फिर by adding second and third number to 3 times द फर्स्ट नंबर वी गेट 12। सो यूज मैट्रिक फैक्टर। क्लियर है? बस मैं इसमें इक्वेशन बनाने में हेल्प कर लेती हूँ, रेस्ट तो सॉल्विंग सेम है। क्या कहते हो?
जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन सेकेंड. मैम तो होमवर्क में क्या करके लाना है? अभी कौन जा रहा है होमवर्क? क्लास कब खत्म हुई है? अच्छा अच्छा मुझे लगा वो स्क्रीन हट गई ना, तो क्लास वो स्क्रीन तो बाय चांस हट गई. तो ये क्वेश्चन करिए, क्या करोगे? तीन नंबर लोगे, x प्लस वाई प्लस जेड ले लिए, उनका सम 6 है. अगर मैं थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, यानी कि 2z, और उसमें फर्स्ट नंबर ऐड कर दूं, तो मेरे पास 7 बनेगा. और अगर मैं 3 टाइम फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ऐड कर दूं, तो मेरे पास 12 बनेगा. तो तीन इक्वेशंस बन गई. क्या आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लोगे? यस मैम. यस मैम. अब एक एक चीज और आती है जो आपको शायद कहीं परेशान करेगी. ये तो आपने वो कर लिया, जो आपने अभी तक सॉल्व किया वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस थी. कौन सी इक्वेशंस थी? नॉन होमोजीनियस. तो अगर मेरे पास अभी होमोजीनियस इक्वेशन दिख जाए कहीं पे, तो मैं क्या करूंगी? होमोजीनियस इक्वेशंस कैसी होती है बताइए. होमोजीनियस इक्वेशंस होती है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो. अगर 1 1 1 लगा दूं तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू जीरो. ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो. तो अभिनव, अंजलि, सत्यम, क्या आप लोगों को पता चला कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या है? होमोजीनियस जाने की जब a into x null matrix के बराबर होगा. क्लियर है? तो इस केस में तो आपको यही पता चल गया कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x y z हमेशा ही जीरो आएगा. बोलिए माय डियर. यस मैम. यस मैम. ये जो एक्स वाई जेड जीरो आता है, ऐसे सॉल्यूशन को अपन लोग बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? ट्राइवियल सॉल्यूशन. क्लियर है? यस मैम. समझा दो ये होमोजीनियस इक्वेशन. अब देखो, अब इसमें भी दो केस बनेंगे. अब देखो कैसे. केस वन आपने देखा कि सपोज करो ए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया. जब a डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, तो जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपके पास x इज इक्वल्स टू, अगर बोलोगे नल मैट्रिक्स इनटू a इनवर्स बना होगा, कुछ ऐसा ही सोचोगे, तो x इज इक्वल्स टू जीरो आया होगा. जाने कि x y z तीनों की तीनों वैल्यू जीरो आई और आपने बोल दिया कि ये ट्राइवल सॉल्यूशन दे रहा है. एग्री? मतलब ये तीनों जीरो आने का मतलब ट्राइवल होता है. क्लियर? यस मैम. केस टू, अगर आपने सोचा कि मेरा जो है a डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, यानी कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, यही सोचते हो, तो आपके पास क्या बनेगा? आप बोलोगे कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जीरो बन गया. यानी कि आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू नल मैट्रिक्स ने भी नल जीरो दे दिया, तो आपके पास अल्टीमेटली जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बना. एग्री? तो जब ऐसा केस बनेगा, उस केस में फिर से आप कहां पहुंच जाओगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की तरफ. क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम. हां जी बोलिए. आपने इसको लिखा होगा ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स नल मैट्रिक्स. तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इनटू जीरो अपॉन ए डिटर्मिनेंट बना ना, आपने कहा दोनों ही जीरो है, तो आपके पास क्या देगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा. क्योंकि इस केस में तो आपके पास क्या बना था? जीरो अपॉन ए डिटर्मिनेंट बना था ना, तो उसने जीरो दिया था, इसीलिए आपके पास ट्राइवल सॉल्यूशन आया था एक्स वाई जेड जीरो. क्या बात क्लियर हुई? तो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे तो फिर से कैसे सॉल्व करेंगे? जेड को के लेके करेंगे. यस मैम. ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं. सब रेडी?
यस मैम। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ दिखा दे, एक सेकंड। हाँ जी देखिए, मैम शो नहीं हो रही। शो हो रही है बच्चे, स्क्रीन तो विजिबल है, देखो सबको विजिबल है स्क्रीन। मैम विजिबल है लेकिन वही तो लास्ट में ये वाला बोल रहा हूँ। यस मैम। ओके यस मैम। ओके तो देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि 2x plus 3y minus z is equals to 0, x minus y minus 2z is equals to 0, 3x plus y plus 3z is equals to 0. तो अब देख के पता चल गया कौन सा सिस्टम है होमोजीनियस है। आगे ना x minus, तो वो अब आप क्या करोगे, अब बस a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 2, 3, -1, 1, -1, -2, 3, 1, 3, इसका डिटर्मिनेंट फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। कितना आएगा जी, 2 × -3 + 2 − 3 × 3 + 6 − 1 × 1 + 3, एग्री। तो आपके पास -2 बना, -27 बना और ये -4 बना, तो दैट मीन्स आपके पास -33 आया, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज हैविंग ट्राइवल सॉल्यूशन, क्या कहते हो? यस मैम। तो अगर ट्राइवल बन गया तो सीधा सीधा लिख दोगे एक्स वाई जेड जीरो के बराबर है। यस मैम। इट वर्क्स ठीक है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इनफाइनाइट का भी, फिर क्लास को सम अप कर लेते हैं। अगर अब मेरे पास इक्वेशन दे रखी है नेक्स्ट में x minus 2y plus z is equals to 0, x plus y minus z is equals to 0, 3x plus 6y minus 5z is equals to 0, ठीक है जी। बस आपको क्या करना है, इसमें जॉइंट रिजल्ट तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, a डिटर्मिनेंट देख लो वो मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, z को k मानोगे तो आपके पास बनेगा x minus 2y is equals to minus k और x प्लस y इज इक्वल टू k, क्या कहते हैं सब? तो आपके पास 1, 1, -2, 1, ये a मैट्रिक्स बन गया, b मैट्रिक्स आपके पास माइनस k और k बन गया, और x मैट्रिक्स आपके पास x और y बन गया, क्या सब एग्री है? तो x किसके बराबर होते सकते हैं, a इनवर्स b के, तो ये कितना बन जाएगा 1 − −+2 1/3, और ये आपका आपको शॉर्टकट से 1, 1, सही है, क्या बोलेगा 2 − 1 × −k और k, क्या कहते हैं सब? Yes, तो ये 1/3 हो गया, ये आपके पास माइनस के प्लस 2k और ये k प्लस k, ऐसा ही दिखा होगा, जाने की आपको दिखा 1/3 k और 2k, तो आपको पता चला कि अब मेरा जो x है वो मेरे पास k upon 3 बन गया, y मेरे पास 2k upon 3 बन गया, और z मैंने k ले रखा था, तो it means this is infinite many solutions, k belongs to any real number, क्या कहते हैं सब? यस मैम।
क्या चीजें क्लियर हो गई? कोई टॉपिक नहीं छोड़ा अपन ने, सारे टॉपिक कर लिया, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस केले सब कुछ। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्या वन बाय थ्री एक्स इक्वल टू आ रही वापिस आ रही हाँ जी, लास्ट स्लाइड पे जाओ। यस मैम। बोलिए। वन बाय थ्री यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा, डिटरमिनेंट ए इनवर्स को लिखा ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। ओके ठीक है। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ये अपन का कुछ टॉपिक था जिसमें हमने हर चीजें कर ली। अब जो बच्चे आज जैसे अमित पहली बार क्लास लगा रहे हैं, उनको मैं एक चीज दिखा देती हूँ।